आज अब येलो आप भी आ जाइए। पिंक बूथ जो है हर एक विधानसभा में बनाए गए हैं और आज जो यहाँ पर जनपद बहराइच में 56 बहराइच में मतदान होना है, जो सबसे पहला वोट है आज वो दिव्यांग ने डाला है, ये खास बात है। और इसके साथ साथ जो है ये पिंक बूथ भी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से मैं यह अपील करना चाहूँगी कि आज बहुत सारे जो हमारे थारू जनजाति के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो दिव्यांग हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो आप भी इससे प्रेरणा लें। आज बहुत अच्छी तरीके से बूथ सजे हुए हैं, एक बार आप लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर देखिए। और इसके लिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतदान करें। आज 13 मई है और आज बहराइच में मतदान शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं बहराइच के महिला महाविद्यालय पिंक बूथ पर। आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते होंगे कि ये महिला महाविद्यालय बहराइच का है और ये पिंक बूथ है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी व तमाम जिले के आला अधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। वहीं जिसके बाद से तमाम सारे जो मतदाता हैं लगातार वो वोट डालने का सिलसिला शुरू है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है, चूँकि उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। जी क्या नाम है? मेरा नाम मीत गुप्ता है और मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। और तो वोट तो डालना नहीं आता था, उन्होंने अंदर सब अच्छे से बताया कैसे क्या करना है, तो फिर आराम से वोट डाल दिया। और पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं, कुल मिला के विकास के लिए आपने वोट? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू जी। आज आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? विकास के मुद्दे को लेकर हमने वोट दिया। वोट पड़ गया आसानी से? जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी वोट नहीं डाले? उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अपने वोट का प्रयोग करें और आके जरूर वोट डालें। जी, वोट डालने आई थी, वोट पड़ गया? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया, क्या सोच कर वोट किया? जिताने के लिए सर। नहीं, मतलब किन मुद्दों को लेकर क्या थॉट होता है, सरकार बदलना है या सरकार ही रिपीट? नहीं, रिपीट करना सर। हाँ, विकास ही को लेकर सर। क्या नाम है, कहाँ से? केदारनाथ, गोंडा रोड। आज आप वोट डालने आए थे, वोट आपका पड़ गया? हाँ, पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी है। किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया? आप तो खैर विकास विकास डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट है। आप सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लोग जो आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहेंगे कि जो भी वोट डालें वो यही देख करके डालें कि अगर विकास के पर डाले, किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान न दें, जातिवाद पर ध्यान न दें, दें तो केवल विकास पर ध्यान दें, जिस पर विकास उसी को वोट। बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो यही संदेश देंगे कि हर किसी को वोट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अक्षता। किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया, क्या सोचा? बेसिकली तो एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर एजुकेशन के बाद जॉब्स, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमें जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो हमने तो उन्हीं मुद्दों को उसमें ध्यान रखा। मोहम्मद अहमद, खत्तरीपुरा। ये सोच कर वोट डाला कि अच्छी व्यवस्था मिले और रोजगार मिले, विकास हो। जी नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वोटिंग के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं,
बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित व्यवस्था है यहाँ पे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें हुई। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर मतदान करें, आप मतदान आपका अधिकार है और आके अपने जो भी सरकार चुनना चाहते वो सरकार चुने। तो ये देखा ये तमाम सारे जो मतदाता है वो अब अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं और बूथों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बात की जाए महिला हो, बुजुर्ग हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो या यंग हो, यंग जनरेशन है वो भी अब वोट डालना शुरू हो चुका है। आप देख सकते होंगे कि किस तरह से जो तमाम सारे लोग हैं वो अब बूथों पर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मतदान बहराइच में शुरू हो चुका है। तमाम सारी अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें बहराइच से एनवाइस 24/7 न्यूज़। सलमान अहमद के साथ नूर आलम वारसी। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।